चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मंगल को वादे किया कि उनकी भारत राष्ट्र समिति बीजेपी, कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी की बी टीम नहीं है और दावा किया कि किसानों, दलितों, पसमानदा तबकात और अकलियतों की टीम है। महाराष्ट्र में जिले सोलापुर के सिरकोली में जलसे आम को मुखातिब करते हुए उन्होंने बीआरएस के ताल्लुक से दूसरी जमातों के तबसरों पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। बीआरएस के सरबराह ने कहा कि वो महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के अवाम पर यह वाजे कर देने के ख्वाह हैं कि बीआरएस किसी भी पार्टी की एक टीम नहीं है, हम किसानों, दलितों, पसमानदा तबकात और अकलियतों की टीम है और हमें किसी की भी ए टीम या बी टीम बनने की कोई जरूरत नहीं है। शिवसेना के ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय रावत के बयान के बाद चंद्रशेखर राव का यह रद्दअमल सामने आया जिसमें उन्होंने बीआरएस को बीजेपी की बी टीम करार दिया था और कहा था कि वो महाविकास अघाड़ी के खिलाफ काम कर रहे हैं। सरकोली के जलसे आम में नेशनल कांग्रेस पार्टी के सबक रुकने असेंबली भरत भालके के फर्जन भागीरथ भालके ने बीआरएस पर शमूलियत अख्तियार कर ली। केसीआर ने अपनी तकरीर जारी रखते हुए कहा कि वो ये समझने से कासिर हैं कि हम एक छोटी पार्टी हैं, हमने महाराष्ट्र में सिर्फ शुरुआत की है और ऐसे में दूसरी जमातें हम पर बरहम क्यों हो रही हैं, वो क्यों कब्जदा हो रही हैं। पार्टियां पूरे प्रस्तापित है, इनको क्या डर है समझ में नहीं आता, क्यों ऐसा करते हैं समझ में नहीं आता, क्यों उल्टा सीधा बात करने लगते हैं। हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडा पे बात करो, उस एजेंडा डिस्कस करो। देवेंद्र फडणवीस जी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री अब के उप मुख्यमंत्री है, नांदेड़ में पहली बार जब मैं आया था तो उन्होंने कहा था केसीआर जी आपका यहाँ क्या काम है, आपका तो काम तेलंगाना में है। मैंने कहा भैया मैं भारत के नागरिक हूँ, कहीं भी जाके काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ किसान के उद्धार के लिए आया हूँ। अगर मुझे नहीं चाह रहे हो तेलंगाना एजेंडा मक्की का मक्की 100% इम्प्लीमेंट करो, मेरा काम खत्म, मैं मध्य प्रदेश चले जाऊंगा, महाराष्ट्र नहीं आऊंगा। उसका जवाब नहीं है उनसे, उसका जवाब आता ही नहीं है। उनको कहना चाहिए कि बिल्कुल हम अमल करेंगे, नहीं करते। केंद्र सरकार एक 6000 रुपए देते वो भी कम लोगों को, कम किसानों को, हमारे पास कोई ऐसा अभेद नहीं है। पूरे किसान जितने भी है 70 लाख किसानों को हम रईत बंधु जो स्कीम